तो हमारे साथ में हाजी इकबाल पहलवान अखाड़े के उस्ताद खलीफा जी है। पहलवान जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम जमील पहलवान है, जमील शेख। आप अखाड़े के क्या हो, उस्ताद हो? मैं अखाड़े का खलीफा हूँ। ये देखो पहलवान उस्ताद है यहाँ के, ये हमारे खलीफा है आज। और खलीफा जी किसे हम जानेंगे, अखाड़ा ये कब से चालू हुआ और बच्चों को क्या क्या कराते हैं? जी उस्ताद जी, अखाड़ा कब चालू हुआ है? करीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए इस अखाड़ा बनने को, और यहाँ पे दंगल भी बड़े बड़े आप लोग कराते हैं माशाल्लाह। तो कौन कौन से पहलवान को लाए अभी तक के आप यहाँ पे? अभी तक के यहाँ पर नासिर कुरैशी, जो भारत के सिर्फ नासिर कुरैशी, मौली जमदाड़े, मौली जमदाड़े है ना जी, हाँ, कोल्हापुर सिकंदर से है ना जी जी, यानी हिंदुस्तान के लगभग सभी बड़े बड़े पहलवान यहाँ पे आ चुके आए हैं। और उस्ताद जी, हमने सुना है कि आप पुलिस में हो और पहलवानी के बल पे ही आपकी नौकरी लगी है। हाँ, बराबर। तो आपने कहाँ तक खेला हुआ है? मैं महाराष्ट्र में भी खेला हूँ जी, और पुलिस डिपार्टमेंट तरफ से IDC। अच्छा जी जी, और मेडल भी है ना आपके पास में? जी हाँ। हाँ, और ये देख सकते हैं पीछे बच्चे मेहनत भी करते जा रहे हैं, और हम उस्ताद जी से जितना हमको नॉलेज है हम उतना इंटरव्यू ले रहे हैं, और उस्ताद जी भी हमारा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। उस्ताद जी, सुबह कितने बजे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं? सवेरे 4:30-5 बजे आते हैं। 4:30-5 बजे तो कब तक करते हैं ये? ये 8:30-9 बजे तक। 8:30-9 बजे तक, तो फिर शाम में ये 4 बजे से आ जाते हैं। 4 बजे से, तो ये 2 बजे तक। हाँ, 3-4 घंटे डेली का रूटीन है जी। और उस्ताद जी, ये खाने में क्या लेते हैं आप? इनको कुछ स्पेशल डाइट बताते होंगे? हाँ, इनका जो स्पेशल डाइट है जैसे जी जी ठंडाई जी, अच्छा, ये दूध वगैरह। हाँ, जो पहलवानों को लगता है, जो पहलवान सभी वो ये लेते हैं जी जी। और आपके साथ में कौन कौन सहयोग करता है इस अखाड़े में? हमारे साथ में यहाँ पर सबसे बड़ा सहकार है हमारा जो है यहाँ पर हाजी इकबाल पहलवान खुद है, उनके जो भाई है रईस। हाँ, रईस पहलवान जी जो हमारे छोटे भाई है जी जी। और अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे आसिफ पहलवान, जिसने यहाँ की बुनियाद रखी। जी हाँ, मरूम आसिफ हाजी पहलवान जी, ये उनकी बुनियाद जी जी। और पप्पू पहलवान कमाल भाई, और हमारे सभी दोस्त शब्बीर जी, यानी सभी छोटे बड़े सब मिल के साथ पहलवान अखाड़े को चलाते हैं, और उस्ताद जी का नाम आगे लेके जाना है जी जी। बाहर के भी बच्चे आते हैं यहाँ पर। हाँ, वो मैंने देखा कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े पहलवान यहाँ आके रहते भी हैं। सब आपने AC का रूम रखा हुआ है, सब हर चीज़ की कोई टेंशन नहीं पहलवानों को? सब सबसे ज़्यादा सपोर्ट अभी हाल फिलहाल हमें रईस भाई का है। रईस भाई जो हमारे पीछे लाल टी शर्ट में बैठे दिख रहे हैं, उसका जो सपोर्ट है जी, उसने हमें कभी भी आसिफ पहलवान की कमी महसूस नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने भी देखा उनको। हाँ, हम तो सोचे थे कि आसिफ पहलवान नहीं है तो बस अखाड़ा खत्म हो गया, मगर इकबाल पहलवान बोले कि आसिफ पहलवान की बात जो थी वो आगे चलने दो जी, उनका नाम हमेशा रहना चाहिए। और रईस ने हमारा हाथ थामा, कहा कि दादा कमी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, और वही तरीके से हमारा अखाड़ा आगे जी चल रहा है, और बच्चे बच्चे माशाल्लाह। और उस्ताद जी, आप ऐसा बताओ कि आपके टाइम में आपकी कोई अच्छी कुश्ती, यादगार कुश्ती जो हुई हो? यादगार कुश्ती तो दोनाचा दिया, मालेगांव, नंदुरबार, नासिक जी जी, औरंगाबाद, पूना, कोल्हापुर, ये सब हमारे, यानी सभी दूर आपकी कुश्तियाँ हुई है जी। अच्छा, हमारे जो दोस्त है, मैं खास रहने वाला अमलनेर का हूँ। अमलनेर जी, हाँ, मेरे तालीम से मेरा मेरे दोस्त आदिल पहलवान शब्बीर पहलवान जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह अच्छे थे, पर मुझे जो इज्जत शोहरत जो मिली जी ये हाजी इकबाल पहलवान अखाड़े से, जो आसिफ पहलवान ने मुझे मौका दिया जी जी बिल्कुल, और अपने दोस्ताने के बल पर मेरे कुश्ती जीतते थे वो, मुझे यहाँ पर उन्होंने खलीफा का रुतबा दिया जी जी। यहाँ पर आप मेरा खलीफा की पे दिया पप्पू उस्ताद जी जी। यहाँ पर तो खलीफा जी, जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो बच्चे नए पहलवानी करना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ गाइडलाइन करिए? बस ये कि मेहनत करो और स्कूल भी पढ़ो, कॉलेज पढ़ो, उसके बल पर आप सरकारी नौकरी पे जी जा सकते हैं। हाँ, जैसे आप लगे हो पुलिस महकमे में, ऐसे करेंगे तो आगे जाएंगे जी जी। ठीक है, आपने देखे हमारे साथ में जमील खलीफा को, है ना? वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।